अजमेर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज उर्स मेले में इस बार भी पाकिस्तानी नहीं आएंगे। इसे लेकर अजमेर एसपी ने बताया कि इसकी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सरकार को पेश की है। इसके बाद पाकिस्तानी जत्थे का आना मुश्किल है। वहीं 20 तारीख से झंडा रोहण के साथ मेले की शुरुआत की जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स को लेकर एक बार फिर पुलिस ने माकूल व्यवस्था की है। पुलिस द्वारा 5500 जवानों की तैनाती दरगाह कायड़ के साथ ही अजमेर के अलग अलग स्थानों पर रहेगी, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से पहले ही उस पर कार्रवाई की जा सके। इस दौरान 3000 से अधिक जवान अन्य जिलों से अजमेर बुलाए गए हैं। वहीं 2500 पुलिस अधिकारी व जवान अजमेर के शामिल होंगे। देश के लिए दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अजमेर एसपी कुंवर राजदीप ने बताया कि उर्स मेले में माकूल व्यवस्था को देखते हुए तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसी के लिए दरगाह में विशेष कैमरे लगाए गए हैं। आस्थाना शरीफ के बाहर भी कैमरे तैनात किए जाएंगे। वहीं आस्थाना शरीफ में दरगाह कमेटी अजुमन के साथ ही खादिम समुदाय से बातचीत के बाद व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उर्स मेले में पाकिस्तानी जत्था इस बार भी नहीं आ पाएगा। इसकी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर सुरक्षा की दृष्टि से एजेंसियों व सरकार को पेश कर दी गई है, जिससे उनका आना मुश्किल है। देखिए, लगभग 5500 पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट है जो कि हम इस उर्स में कर रहे हैं। कल उर्स का झंडा चढ़ने की रस्म होनी है, जिसमें कि हमारा सभी सीनियर अधिकारी भी वहां पर रहेंगे और पूरा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। बाकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जाप्ता जो है समय पर लग जाएगा ताकि पूरी व्यवस्थाएँ ठीक से बनी रहे। कितने सुरक्षा कर्मी रहेंगे और बाहर से भी कितने अधिकारी आ रहे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 5500 पुलिस कर्मियों का इंतज़ाम है, जिसमें से कि लगभग 3000 के आसपास जाप्ता जो है हम बाहर से लेते हैं, बाकी हमारे ज़िले का जाप्ता होता है वो लगता है। पाकिस्तान से कोई जारी नाम है इस बार? पाकिस्तान से जो जायरीन आने की हर बार हमारे पास रिपोर्ट जाती है और नेगेटिव रिपोर्ट हमने भेजी है, और अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत संभावना यही है कि ऐसे कोई जायरीन पाकिस्तान से नहीं आने वाला। सर, सीसीटीवी कैमरे कितने एक्स्ट्रा लगाए गए हैं या जो कोई ख़राब थे उनको? देखिए, जो सीसीटीवी कैमराज ख़राब थे उन्हें सही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। लगातार वो कार्य चल रहा है। दरगाह कमेटी अपने दरगाह क्षेत्र के ऐसे कैमरों को सही करा रही है। इसके अलावा कुछ नए कैमराज, इसको लेकर के सहमति बनी है दरगाह कमेटी के साथ में। बहुत संभावना है कि हम ऐसे और पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं पर किसी कारण से वहाँ कैमरे अभी तक नहीं लग पाए थे, वहाँ भी अगले एक दो दिन में कैमरे लग जाएंगे। अच्छा सर, आस्थाना शरीफ की भी बात चल रही थी, उसमें आस्थाना शरीफ की बात चल रही थी लगातार, लेकिन जैसा कि मेरे संज्ञान में आ रहा है, कुछ इश्यूज़ है जिसको कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है इससे पहले कि वहाँ कैमरे लगें। लेकिन अस्थाना शरीफ से ठीक बाहर के प्रेमिसेस में एक दो दिन में कैमरे लगने की संभावना है।